ओके, तो आज का जो किस्सा है ये तब की बात है कि जब मैं 11th क्लास की पीटीएम में गया था अपने पापा के साथ। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करके बताना कैसा लग रहा है और सब्सक्राइब करना चैनल को। मैं पीटीएम में गया था 11th क्लास में। और हमारी इस बार क्या हुआ कि मैं अपने स्कूल में गया और मेरे स्कूल में जैसे ही मैं क्लास में घुसा ना, एक तो जो बोर्ड रहता है ना वहाँ पे हमेशा दो बच्चों के नाम लिखे रहते थे, एक जो टॉपर्स थे और एक जो फेलियर्स रहते थे, और जो अपना नाम रहता था वो हमेशा यहाँ लग जाता था नाम, यहाँ बिल्कुल एकदम फेलियर्स में भी आखिरी में आता था मेरा नाम। अच्छा, तो इस बार क्या हुआ, 11th क्लास में पापा को बिल्कुल नहीं पता था कि मैं कैसा क्या पढ़ता हूँ, मेरा बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था कि क्या है, मेरे नंबर कभी कुछ आए नहीं। तो मैं जैसे क्लास में घुसा तो मैम बोलती क्या बात है, क्लास का टॉपर आ गया है, सारे को इसके ताली बजाओ। तो फटाफट, वो क्लास में एक भी बच्चा नहीं था, फिर भी पता नहीं किसको बोल रही थी कि अरे ताली बजाओ इसके लिए। तो पापा खुश होकर कि अरे वाह मेरे बेटे ने टॉप करा है। पापा बोलते जल्दी से इसको मिठाई विठाई खिलवा दो, इसका केक भी कटवा दो, मला वाला बिनवा के फोटो खिंचवाओ और हमें को निकलना है, मेरे को काम है। मैम बोलती सर कोई सच का सच्चे का जो आपका टॉपर नहीं है। और मैम का मन में ये मैम बोल रही थी सच में टॉपर नहीं, मैम का मन करती है बोले कि एक नंबर का रंटी बात है, ये गांडू आदमी है गांडू। इसके ना हमसे बोला आपको टेस्ट कॉपी देखो जिसको पीरियोडिक टेस्ट दिया इसने। मेरे पीरियोडिक टेस्ट में नंबर कैसे आए थे, 2.5, 3.5, 4.5, 20 में से। तो फिर मैम बोलते कि सर आपको मालूम है इस बार इसके 19th रैंक आई है पूरी क्लास में। तो पापा ने बोला कि 19th रैंक तो ठीक है। तो मैम बोले सर 20 तो बच्चे हैं क्लास में। उसके बाद भी पापा बोलते कि चलो एटलीस्ट लास्ट तो नहीं आया। फिर मैम बोलती कि सर प्लीज़ अपने तो सबसे पहले बच्चे को समझ, लड़के को संभालो, इसकी हरकतें बताओ। आपको ये जब भी स्विमिंग पे रहता था ना, हर क्लास हर स्विमिंग पूल के जस्ट बाजू में अपनी चड्डियों का ठेला लगाता। तो पापा बोलते ठीक है, हर लड़के को चड्डी बांटता है तो बहुत अच्छी बात है बोले। तो मैम बोलती सर कौन सा लड़का पैंटी पहनता है, और सर ये कोई बात नहीं है, इसके अलावा ये लोग रुमाल की ब्रा बना के सीधा नोटिस बोर्ड के बाहर लगा देते, नीचे लिख देते ओनली इलास्टिक फुल्ली फैंटास्टिक। फिर उसके बाद मैम ने मेरे को बोला कि तुम फेल हो गए हो मैथ्स में, तुम जाके मैथ्स वाले सर से बात करो, तुम अपने ग्रेस मार्क्स रोल करके ताकि तुम पास हो जाओ, है ना। तो मैं कॉपी लेके मैथ्स वाले सर के पास गया। मैंने सर को बोला कि सर ये कॉपी है, तो सर बोले इसका क्या करना है। मैंने कहा सर वो थोड़ी सी ग्रेस मार्क्स दे दो, मैं 2 नंबर से फेल हो जाऊंगा नहीं तो। सर बोले बेटा ये जो तेरे 20 नंबर आए ना, ये तेरी कॉपी में मैंने लिखा है और मैंने ही खुद को चेक करा है, उसमें भी 2 नंबर गलत का लिख दिया था मैंने, कोई ग्रेस नंबर नहीं मिल सकते, जो थे मैंने सब कर दिया। मैंने कहा सर प्लीज़ कुछ तो होगा, कुछ तो करोगे। सो बोले कि घंटे के लोग। फिर वो जो सर थे वो पापा में शिकायत करने लगे कि सर मैथ्स में क्वेश्चन आया कि 2 लड़कों की बातचीत लिख के उसको एक इक्वेशन बनाओ। तो इसने बातचीत क्या लिखी है कि एक राजू रवि को बोलता है कि वोडका का शॉट भाई मेरा हॉट, और रवि राजू को बोलता है कि दुनिया के क्या होगा जब मेरा भाई मेरे साथ। तो फिर मैंने कहा कि अच्छा सर ठीक है, मैं फटाफट आप मेरे को क्वेश्चन, तो मैं वापस उसी क्वेश्चन में इक्वेशन लिख के मैं आपको दे देता हूँ। तो सर निकाल लिया पेपर ले, तो मैंने पेपर लिया। फिर मैंने इस बार सच्ची सच्ची एक लिखी कि सर जो मैं पेंटियों का ठेला लगाता हूँ उसमें से एक पेंटी आपने भी ले जाके किसी को दी है, ये मैंने देख लिया सर को दे दिया। सर ने पेपर लिया, है ना, पेपर लेके पढ़ा, बोले ओ अरे यार सही बेटा एकदम सही, सर पास है लड़का एकदम पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसको। तो कहा मैंने इसको पेपर दे दिया, मैंने एक और क्वेश्चन चेक नहीं करा बेटा, तेरे को तो 30 के ऊपर आ गया, टॉप करवा दूँ तेरे को। और फिर बाद में उन्होंने कहा कि ये टाइप बार वाली चेक कर ले, उन्होंने उसी के नीचे लिख दिया कि वो पेंटी मैंने इसके लिए ली थी। फिर मैं बहुत जल्दी जैसे तैसे पास हुआ, मैं अपने स्कूल से निकला। मैं स्कूल से निकल ही रहा था कि इतने में ना सिक्योरिटी गार्ड मिल गया और वहाँ से उसे लता रे भाई एक कश। मैंने कहा कि चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। Oh,